पन्नाधाय, जिसे पन्नाधाय या पन्ना द वेटनर्स के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी कहानी मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य की वीरतापूर्ण कहानियों से जुड़ी हुई है। शाही परिवार के प्रति पन्नाधाय की अटूट निष्ठा और बलिदान ने उन्हें साहस और भक्ति की एक प्रतिष्ठित शख्सियत बना दिया है। पन्नाधाय का जन्म 17वीं शताब्दी की शुरुआत में राजस्थान के खेजड़ला गांव में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन जल्द ही उनका भाग्य मेवाड़ शाही परिवार से जुड़ जाएगा। वह मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की सेवा में उनके नवजात बेटे राजकुमार उदय सिंह द्वितीय की नस के रूप में शामिल हुई। उस समय के दौरान सम्राट औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य ने राजस्थान की रियासतों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की। मेवाड़ अपने स्वतंत्र राजपूत शासकों के साथ मुगलों के लिए एक कांटा था। खतरे से अवगत होकर महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी को उदयपुर से कुंभलगढ़ के सुदूर किले में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इतिहास में पन्नाधाय की महत्वपूर्ण भूमिका तब शुरू हुई जब मुगलों ने नवजात राजकुमार उदय सिंह द्वितीय के स्थान की खोज की। राजकुमार की सुरक्षा के डर से पन्नाधाय ने एक साहसी योजना बनाई। उसने उदय सिंह को अपने बेटे चंदन से बदल दिया और राजकुमार को सुरक्षित रखने के लिए अपने भाई जयमल राठौर के पास भेज दिया। जैसा कि अनुमान था, जय सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सेना ने कुंभलगढ़ पर हमला किया। घटनाओं के एक दुखद मोड़ में पन्नाधाय के बेटे चंदन को गलती से राजकुमार के रूप में पहचाना गया और मुगलों द्वारा मार डाला गया। इस हृदय विदारक बलिदान ने पन्नाधाय को हर कीमत पर उदय सिंह की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। पन्नाधाय अपने पति जयमल राठौर और अन्य वफादारों के साथ उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ के दुर्जय किले तक गए। यहीं पर पन्नाधाय की मात्र प्रवृत्ति और अटूट निष्ठा की अंतिम परीक्षा होगी। मुगलों ने युवा राजकुमार को पकड़ने और राजपूत प्रतिरोध को समाप्त करने की उम्मीद में चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। घेराबंदी की स्थिति में पन्नाधाय ने उदय सिंह के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक साहसिक योजना तैयार की। उसने राजकुमार को एक लड़की का रूप दिया और उसे शक्ति कुमावत नामक एक भरोसेमंद ब्राह्मण को सौंप दिया। शक्ति उदय सिंह के साथ अंधेरे की आड़ में किले से भाग गए, जबकि पन्नाधाय मुगलों को धोखा देने के लिए पीछे रह गए। उदय सिंह के भागने से अनजान मुगलों ने पन्नाधाय को पकड़ लिया और उनसे राजकुमार के ठिकाने का खुलासा करने की मांग की। हालांकि पन्नाधाय ने अत्यधिक साहस और लचीलापन दिखाते हुए किसी भी जानकारी का खुलासा करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। उनकी अटूट निष्ठा से प्रभावित होकर मुगल सेना ने उनकी जान बख्श दी, लेकिन उन्हें कड़ी निगरानी में रखा। इस बीच उदय सिंह एक सामान्य व्यक्ति का भेष बनाकर अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा में पहुंच गए। पन्नाधाय के भाई जयमल राठौर ने युवा राजकुमार को अपने संरक्षण में लिया और उन्हें युद्ध और शासन की कला में प्रशिक्षित किया। जयमल के संरक्षण में उदय सिंह ने वीरता और धार्मिकता की भावना को आत्मसात किया, जिसने बाद में मेवाड़ के महाराणा के रूप में उनके शासनकाल को आकार दिया। वर्षों बाद पन्नाधाय को अंततः मुगलों द्वारा रिहा कर दिया गया, जिन्होंने उनकी अदम्य भावना को पहचाना। मेवाड़ लौटने पर पन्नाधाय ने उदय सिंह को सिंहासन पर विजयी होते हुए देखा। राजकुमार के जीवित रहने और उसके बाद उत्थान से बहुत खुश होकर वह महाराणा की एक विश्वसनीय सलाहकार और विश्वासपात्र बन गई। पन्नाधाय की वफादारी और बुद्धिमत्ता उदय सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के लिए अमूल्य साबित हुई। उनका प्रभाव दरबार से परे और मेवाड़ के सामाजिक ताने बाने तक फैल गया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया और राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पन्नाधाय की उल्लेखनीय यात्रा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समाप्त हो गई और अपने पीछे साहस, बलिदान और भक्ति की विरासत छोड़ गई। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, उन्हें निस्वार्थता और मातृ प्रेम के प्रतीक के रूप में अमर कर देगी। पन्नाधाय का संपूर्ण इतिहास त्याग, साहस और अटूट निष्ठा से अंकित है। नवजात राजकुमार उदय सिंह द्वितीय की सुरक्षा और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ मेवाड़ की विरासत की रक्षा करने में उनकी भूमिका उनकी अदम्य भावना का प्रमाण है। पन्नाधाय की उल्लेखनीय कहानी ने उन्हें राजपूत इतिहास के इतिहास में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है, जिससे उनका नाम बहादुरी और भक्ति के अवतार के रूप में अंकित हो गया है।